ट्रेन से गोंदिया आ रहे हैं तो हो जाएं सावधान। जी हां, ट्रेन निर्धारित समय से 2 से 3 घंटे देरी से आ रही है। गोंदिया रेलवे स्टेशन मुंबई हावड़ा रूट का एक महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन है और गोंदिया छत्तीसगढ़ और मध्य के करीब है। क्षेत्र की सीमाएं भी यहीं से लागू होती है। गोंदिया रेलवे स्टेशन एक महत्वपूर्ण स्टेशन है और महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के यात्री मुंबई और हावड़ा की ओर यात्रा करते हैं और कई ट्रेनें गोंदिया से जबलपुर और चंद्रपुर होते हुए जाती हैं। लेकिन नागपुर और रायपुर से आने वाली ट्रेनें गोंदिया देर से पहुंचने के कारण कई यात्रियों की अन्य ट्रेनें भी रवाना हो रही है, लिहाजा नागरिकों और छात्रों की बेवजह परेशानी उठानी पड़ रही है। कई बार रेलवे स्टेशन पर रात गुजारनी पड़ती है। इसको लेकर नागरिकों ने 2 बार विरोध भी किया, लेकिन इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी रेल प्रशासन की नींद नहीं खुली है। गोंदिया रेलवे स्थानक हे हावड़ा मुंबई मार्गावरील एक प्रमुख स्थानक आहे। या स्थानकावरून रोज 20 ते 25 हजार प्रवासी प्रवास करतात, पण मागील 1.5 महिन्यापासून या मार्गावरील गाड्या जवळपास 1.5 ते 2 तास उशिराने धावत आहेत। काही गाड्या आउटरवर मालगाड्या पास करण्यासाठी 2 ते 3 तास उभ्या करून ठेवल्या जात आहे, त्यामुळे जेवढा वेळ नागपूरवरून गोंदियाला पोहोचण्यासाठी लागत नाही त्याच्यापेक्षा जास्त वेळ ढाकणीवरून गोंदियाला पोहोचण्यासाठी लागत आहे। हा त्रास मागील 1.5 महिन्यापासून प्रवासी सहन करत आहेत। हीच समस्या असल्याने अनेक प्रवाशांना त्यांच्या गाड्या वेळेत पकडणे पोहोचणे शक्य होत नाही, त्यामुळे त्यांना आर्थिक भूर्दंड सहन करावा लागत आहे। बऱ्याच प्रवाशांना गाडी वेळ सुटल्याने अनेकदा रेल्वे स्थानकावरच रात्र जागून काढावी लागली। ही समस्या वारंवार यामुळे संताप आहे। हा संताप प्रवाशांनी ट्रॅकवर उतरून व्यक्त सुद्धा केला होता, पण यानंतरही रेल्वे प्रशासनाने कुठलीच सुधारणा केली नाही, गाड्यांना विलंब सुरूच आहे। ही समस्या आता प्रवाशांच्याही संतापाच्या बाहेर गेली असून हे असंच राहिल्यास प्रवासी ट्रॅकवर उतरून पुन्हा आंदोलन करण्याची शक्यता नाकारता येत। गोंदिया भंडारा जिल्हा लागूनच मध्य प्रदेश छत्तीसगडचे पण प्रवासी इथून प्रवास करतात। आता सध्या लग्न सराईचा सीझन सुरू आहे, यामध्ये प्रवाशांची संख्या अधिक असते, पण रेल्वे गाड्यांचा विलंब आणि आउटरवर 4-4 तास गाड्या उभ्या करून ठेवल्या जात आहेत, त्यामुळे प्रवाशांना आणि त्यांच्या लहान मुलांना सुद्धा याचा फटका बसत आहे। पण रेल्वे प्रशासनाला याची अद्यापही जाणीव झाली नाही। लोकप्रतिनिधी सुद्धा यावर समोर येऊन बोलण्यास तयार नाही, प्रवाशांसाठी कोणी आवाज उठवण्यास तयार नाही, त्यामुळे प्रवाशांची समस्या कायम आहे। अक्सर जब रेल यात्री गोंदिया आ रहे होते हैं तो कई लोग घर जाने के लिए ऑटो का इस्तेमाल करते हैं और गोंदिया के पास पहुंचकर ऑटो अटेंडेंट को स्टेशन बुलाते हैं। लेकिन जहां गोंदिया से 5 किलोमीटर दूर ठाकनी से रेलवे स्टेशन पहुंचने में 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है, वहीं ऑटो चालक को भी समय पर ट्रेन स्टेशन नहीं पहुँचाने की मशक्कत करनी पड़ती है। सर, ट्रेन लेट आ रही है इसलिए तो बहुत परेशानी हो रही है हम लोगों को। कैसा है कि ट्रेन आ जाती है आउटर पे, 2-2 घंटे खड़ी रहती है, कभी कभी पैसेंजर हमारे रहते हैं, बुक रहती है ऑटो, तो पैसेंजर कैसा ट्रेन तो दिखाती है कि 2-5 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन 2-2 घंटे के बाद आती है, उससे हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। सवारी भी पैसे देती नहीं है, तो हमने क्या कमाना क्या करना, हम बहुत परेशानी समस्या से हमको गुजरना पड़ रहा है। कृपा कर इस पर अधिकारी लोग ध्यान दें और इस समस्या से हमारा जल्दी जल्दी छुटकारा करें, ये मेरी गुजारिश है। चूंकि यात्री ट्रेनों को रोककर मालगाड़ियों को अधिक महत्व दिया जा रहा है, ऐसे में रेल प्रशासन को लेकर यात्रियों में नाराजगी का भाव है, क्योंकि रेलवे स्टेशन से कई बड़ी संख्या में मालगाड़ियां निकलती हैं। इस बारे में जब भंडारा गोंदिया जिले के सांसद सुनील फुंडे से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि तीसरी लाइन का काम चल रहा है और यात्रियों को ये परेशानी दिसंबर माह तक झेलनी पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हाँ, यात्री को द्वारा ट्रेनों को रोकना और मालगाड़ियों को बड़ी संख्या में चलने देना और नागरिकों को परेशान करना कितना सही है, इस मामले पर रेल प्रशासन खामोश है। अब इस ओर सबको ध्यान देना जरूरी है। आपल्या सर्वांना कल्पना असेल की इथे आपल्या तिसऱ्या लाईनचं काम चालू आहे, त्यामुळे थोडंसं कंजेशन होतं आणि कंजेशन झाले की सगळ्या ट्रेनच्या वेळेवरती परिणाम होतो। दुसरा एक विषय होतो की मोठ्या प्रमाणामध्ये आपल्या देशामध्ये कोळशाचा तुकडा आहे, त्यामुळे आपल्या सगळ्या ज्या गुड्स ट्रेन आहेत ज्या कोळशा घरून जाणाऱ्या ज्या आहेत, येणारा पावसाळा आणि पावसाळ्यामध्ये कोळशाचं आपण आणे जाणं होत नाही, त्यामुळे आपल्या जर पॉवर प्लांटला जो पावसाळा लागतो त्याचं साठवणूक काम मोठं काम सुरू आहे संपूर्ण देशभर, त्यामुळे थोडासा त्रास गेल्या महिन्यात दिमिना असं होतो आहे, त्यामुळे थोडासा अजून त्रास काही वेळ प्रवाशांना डिसेंबरपर्यंत हा त्रास सहन करावा लागणार आहे, परंतु जो आत्ता त्रास होता तो जास्त होतो आहे, त्यालाही तसं मिनिमाइज करता या गोष्टीचा आपण प्रयत्न करू। NBC News के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।